अब हम बात करेंगे सर्विस मैनुअल के हिसाब से नो साउंड फॉल के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन कारन का डीवीडी होम थिएटर सिस्टम, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं BDS5। ये पीस नो साउंड फॉल्ट के लिए है और जिन हमारे मित्र का है उनका कहना है कि इसमें सबवूफर में आवाज़ आती है, बाकी किसी भी अदर इनपुट्स में आवाज़ नहीं है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। पहले से काम किया गया है या पहले किसी ने देखा होगा, खैर हम अपने नज़रिए से इसको देखेंगे, चेक करेंगे। नीचे के यूनिट्स जो पीसीबी है उसको हम निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या दिक्कत है। इसके नीचे के बोर्ड को हमने निकाल रखा है और इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो कालापन बहुत ज़्यादा है लगभग सभी आईसीओ के पिंस पे। हम बात करते हैं आउटपुट सेक्शन में। आउटपुट सेक्शन के लिए इसमें ये तीन आईसी और ये एक आईसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आईसी शायद पहले किसी ने रिप्लेस की हुई है, सोल्डर लगा हुआ है और छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसमें कालेपन बहुत हैं, जो रेजिस्टेंस हैं, पीएफ हैं, इन सभी को हम सबसे पहले इसको हम वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद हम आगे देखते हैं। आउटपुट सेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम पहले वॉश करेंगे। यहाँ पर भी काफ़ी होल्स के पास धब्बे हैं जो आप ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं। चलिए इसको हम वॉश करते हैं, इसके बाद देखते हैं। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। अब हम इसको फिट करेंगे और फिट करने के बाद देखते हैं। इसके बोर्ड को हमने हाफ एंड मोड पे ऑन किया है, सभी स्क्रूज नहीं लगाए हैं, जो ज़रूरत के थे वही लगाए हैं। और इसकी सिचुएशन जस की तस बनी हुई है, नो साउंड में ही है अभी तक।
चलिए देखते हैं किस कारण से नो साउंड में है और कौन सा पार्ट्स इसका ख़राब है। मैंने अभी तक जहाँ तक चेक कर पाया हूँ, इसकी जो ये ड्राइव आईसी है, ड्राइव आईसी में दिक्कत होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। और भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हम चेक करेंगे। मैंने इसमें कुछ सप्लाई चेक की है, जिसमें एक चीज़ निकल कर आया है कि एक सप्लाई नहीं है। कौन सी मैं आपको बताता हूँ। ये जो पावर सप्लाई से कनेक्टर आ रहा है, आप अगर देख सके तो यहाँ पर लिखा है -12 ग्राउंड +12, तो +12 की जो सप्लाई है वो मिसिंग है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देख सकते हैं आप -12 वोल्ट है और जो 3 नंबर है हमने चेक किया था, इसको यहाँ पर सप्लाई नहीं थी और अभी हम चेक कर पा रहे हैं तो यहाँ सप्लाई है, +12 वोल्ट नहीं आ रही थी और अब आ रही है। और ये फैन भी नहीं घूम रहा था जो कि अभी घूम रहा है। क्या इसमें ड्राई शोल्डर है पावर सप्लाई में? एक बार हम पावर सप्लाई को निकाल कर देखेंगे क्या पावर सप्लाई में कोई ड्राइनेस है। मैंने इसके पावर सप्लाई को निकाला है और ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है कि ड्राइनेस हो। फिर भी +12 वोल्ट मिसिंग था, मैंने खुद चेक किया था, लेकिन अभी वो सही है। तो +12 वोल्ट से संबंधित जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम रीसोल्डर करेंगे। जैसे कि ये डायोड है, ये डायोड +12 वोल्ट का है जो यहाँ से पिन नंबर 3 को जाती है। इसको हम रीसोल्डर करेंगे। 12 वोल्ट से संबंधित जितने भी पार्ट्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 2-3 जगहों पे रीसोल्डर किया है जो 12 वोल्ट से संबंधित थे। फिट करते हैं अभी इसको। ऑल चैनल वर्किंग गुड है। इसको हम फिट करेंगे, हीट सिंक पहले लगाएंगे उसके बाद।
सराउंड लेफ्ट राइट में आवाज नहीं आ रही है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट किया गया है इनपुट वन में, और हमने अभी अभी ब्लूटूथ ही कनेक्ट किया है। एफएम रेडियो वापस लगा कर देखेंगे, क्योंकि हमने एफएम रेडियो पर आवाज़ तो सुनी है। कुछ अलग दिक्कत होगा, ब्लूटूथ से सराउंड में आवाज़ नहीं आ रही है। खैर, हम उसमें नहीं पड़ेंगे, अपना जो काम था नो साउंड इश्यूज उसको सॉल्व कर दिया है। एफएम रेडियो में ऑल चैनल वर्किंग गुड है, और अब हम जानेंगे सर्विस मैनुअल की सहायता से कि हमने इसमें नो साउंड फॉल्ट के लिए क्या क्या रिसर्च किया है, किन किन चीज़ों की हमने जांच की है, कौन से महत्वपूर्ण सप्लाई होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सर्विस मैनुअल के हिसाब से नो साउंड फॉल्ट के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस पीस के अंदर जो मुझे फॉल्ट मिला है वो फॉल्ट कुछ ऐसा है, मैं सभी वोल्टेज को ट्रैक करते हुए गया था। ये अपना आउटपुट आईसी है, साउंड आउटपुट आईसी, और हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो है प्लस 12 वोल्ट, आप देख सकते हैं ये प्लस 12 वोल्ट नहीं आ रहा था इस रेजिस्टेंस के पास। तो 12 वोल्ट ट्रैक करते करते मैं यहाँ के जो 12 वोल्ट के कनेक्टर है वहाँ तक पहुँचा था मैं, और उसके बाद ये जो है इसका ड्राइव आईसी इसकी मैं बात कर रहा था। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। सबसे पहले तो ये 3.3 वोल्ट आना चाहिए पिन नंबर 15 पे, और दूसरा जो है पिन नंबर 13 PDN पावर डाउन, अगर इस सेक्शन में कोई भी दिक्कत होगी तो पावर को फेल कर देगा, शट डाउन कर देगा पीस को। यहाँ पर PND लिखा है, इधर PDN, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, PDN होना चाहिए पावर डाउन। और उसके बाद ये रीसेट पिन नंबर 11 पे, यहाँ पर रीसेट की सप्लाई आनी चाहिए 3.3 3.2। अब हम बात करते हैं इस सेक्शन की। यहाँ पर जो आप देख रहे हो SD इन 1 2 3 पिन नंबर 29 30 31, यहाँ पर सप्लाई आनी ज़रूरी है। ये डिजिटल ऑडियो है, 1.2 1.3 लगभग यहाँ पर आता है, आना चाहिए। मैं चाहिए तो आपको चेक करके दिखाता हूँ, और उसके बाद हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सराउंड लेफ्ट, सराउंड राइट, लेफ्ट राइट, और नीचे SUB सब वूफर। यहाँ पर 1.5 1.4 वोल्ट का आना अनिवार्य है, 47 ओम्स के रेजिस्टेंस के थ्रू लगे हुए हैं यहाँ पर, पिन नंबर 40 से लेकर के 47 तक है, 40 नहीं, पिन नंबर 42 से लेकर 47 तक है। तो ये इतनी सप्लाई आनी चाहिए।
नो साउंड फॉल से अगर कोई भी दिक्कत हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ये जो आप 6 रेजिस्टेंस देख रहे हैं C711 के नीचे, ये है वो रेजिस्टेंस। मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। वन पॉइंट सिक्स है। ये 6 रेजिस्टेंस है और 1.6 आना अनिवार्य है। और ये 3 डिजिटल इनपुट 29, 30, 31 यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं तो। और ये 3 ट्रैक्स जो है यहाँ पर जाती है। पॉइंट 100 है यहाँ पर। पॉइंट 100 ही होगा ये, शायद आपका सबवूफर होगा, सबवूफर और सेंटर। 3 डाटा डिजिटल साउंड के लिए जो इस्तेमाल होता है, एक फ्रंट लेफ्ट राइट और एक सराउंड लेफ्ट राइट और एक सेंटर सबवूफर। तो ये जो तीसरा है सेंटर और सबवूफर का होगा, और सेंटर सबवूफर में कम है। तो क्या ये प्रोलॉजिक ऑन करके देखते हैं एक बार। जी हाँ, प्रोलॉजिक ऑन करने पे यहाँ पर सप्लाई आई है। तो इतनी सप्लाई आनी चाहिए नो साउंड फॉल्ट के लिए।
इतने प्रोसेस होकर ये आगे चल के आउटपुट ऐसी को जाती है। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे।